नमस्कार साथियों, हम आपको आज लिपि के कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो परीक्षा में आ भी सकते हैं और ये पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आश्वलिपि में कितने स्वर होते हैं? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। तो आश्वलिपि में 10 स्वर होते हैं, बाकी 2 अनुस्वार हो जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर अगला है, हल्के डैश से हम को दर्शाते हैं। ऑप्शन ए दीर्घ स्वरों को, बी लघु स्वरों को, सी सारे स्वरों को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लघु स्वरों को। लघु स्वरों को हम हल्के डैश से दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, आ को हम किससे दर्शाते हैं? ऑप्शन ए है हल्का बिंदु, ऑप्शन बी है हल्का डैश, ऑप्शन सी है गहरा बिंदु, ऑप्शन डी है गहरा डैश। तो हम आ को हम गहरे बिंदु से दर्शाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला है, ए एक प्रकार का है। ऑप्शन ए है लघु स्वर है, बी है दीर्घ स्वर है, सी है रेखाक्षर है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए एक प्रकार का लघु स्वर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, रेखाओं की दोनों दिशाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो रेखाओं की दोनों दिशाओं को ऑप्शन है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि स्वर एक स्वर रेखा से पहले आए तो उसे रेखा के किस ओर दर्शाते हैं? ऑप्शन ए है बाई तरफ, ऑप्शन बी है दाई तरफ, ऑप्शन सी है बीच में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाई तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस स्थान का स्वर समतल रेखा को काट कर लिखा जाता है? ऑप्शन ए है प्रथम स्थान, ऑप्शन बी है द्वितीय स्थान, ऑप्शन सी है तृतीय स्थान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी तृतीय स्थान। क्वेश्चन नंबर अगला है, द्वितीय स्थान का स्वर समतल रेखा पर कहाँ दर्शाया जाता है? तो ऑप्शन है रेखा से ऊपर, बी है छूता हुआ, सी है काटता हुआ, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रेखा छूता हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला है, गले में रुकावट के कारण पैदा होने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है स्वर, ऑप्शन बी है व्यंजन, ऑप्शन सी है वर्ग, ऑप्शन डी प्रत्यय। तो गले में रुकावट पैदा होने वाली ध्वनि को स्वर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, आश्वलिपि में दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो आश्वलिपि में दीर्घ स्वर ऑप्शन है ए 4, बी है 6, सी है 10, डी है 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ स्वर औ को आश्वलिपि में किसके द्वारा प्रकट किया जाता है? औ को ऑप्शन है गहरे बिंदु, बी है गहरे डैश, सी है कोण, डी है हुक। तो दीर्घ स्वर को गहरे बिंदु यानी ऑप्शन नंबर गहरे डैश यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है, दो या दो से अधिक व्यंजन रेखाओं से प्रकट किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए शब्दाक्षर, ऑप्शन नंबर बी संक्षिप्ताक्षर, ऑप्शन नंबर सी शब्द चिन्ह, ऑप्शन नंबर डी उपसर्ग। तो दो या दो से अधिक व्यंजन रेखाओं में प्रकट किए जाने वाले शब्द को संक्षिप्ताक्षर यानी ऑप्शन नंबर बी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, दो स्वरों के एक स्थान आने पर निम्न में से क्या बनता है? ऑप्शन ए है त्रिस्वर बनता है, ऑप्शन बी है द्विस्वर बनता है, ऑप्शन सी है द्विध्वनिक मात्रा, ऑप्शन डी है त्रिध्वनिक मात्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विध्वनिक मात्रा यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, आश्वलिपि में किसको छोटे गुणा के चिन्ह से प्रकट किया जाता है?
ऑप्शन ए है पूर्ण विराम, ऑप्शन बी है अल्पविराम, ऑप्शन सी है हाइफन, ऑप्शन डी है योजक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण विराम यानी ऑप्शन ए। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। किसी बिंदु या डैश से प्रकट होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शब्दाक्षर, ऑप्शन बी शब्द चिन्ह, ऑप्शन सी संक्षिप्ताक्षर, संक्षिप्ताक्षर, ऑप्शन डी व्यंजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शब्द चिन्ह यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वाक्यांश निर्माण में है के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है टिक, ऑप्शन बी है रेखा, ऑप्शन सी है वृत्त, ऑप्शन डी है हुक। तो इसका सही आंसर है प्रथम यानी टिक। अगला क्वेश्चन है, वाक्यांश निर्माण में हूँ के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है टिक, ऑप्शन बी है वृत्त के साथ टिक, ऑप्शन सी है वृत्त के साथ हुक, ऑप्शन डी है वृत्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृत्त के साथ टिक यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अश्वलिपि में बहुवचन प्रकट करने के लिए व्यंजन रेखा के आगे क्या लगाते हैं? ऑप्शन ए है हल्का बिंदु, ऑप्शन बी है हल्का डैश, ऑप्शन सी है गहरा बिंदु, ऑप्शन डी है गहरा डैश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गहरा बिंदु। क्वेश्चन नंबर अगला है, किसी ए एक व्यंजन रेखा से प्रकट किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है शब्दाक्षर, ऑप्शन बी है संक्षिप्ताक्षर, ऑप्शन सी है शब्द चिन्ह, ऑप्शन डी है उपसर्ग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शब्दाक्षर। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।